Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss how to get protein treatment at home. उसके benefits क्या हैं, वो आपके बालों के लिए क्यों necessary है, कुछ questions के जवाब दूंगी जो मुझे लगता है कि हर लड़की को पता होना चाहिए अगर वो पार्लर जा रही है और अपने बालों के ऊपर कुछ अप्लाई कर रही है. सो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन, प्रोटीन ट्रीटमेंट क्या है. दूसरा क्वेश्चन, प्रोटीन ट्रीटमेंट हमारे बालों के लिए क्यों ज़रूरी है. तीसरा क्वेश्चन, हमें अपने बालों पे प्रोटीन ट्रीटमेंट कब कब लेना चाहिए, मतलब कितने टाइम बाद लेना चाहिए. नंबर फोर, सलोन का जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है वो आपके बालों के लिए किस तरह इफ़ेक्टिव है. नंबर फाइव, माई सीक्रेट हेयर रेमेडी टू टेक प्रोटीन ट्रीटमेंट एट होम. सो इन दी एंड मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने बालों के लिए क्या सीक्रेट प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो मैं यूज़ करती हूँ. सो प्रोटीन ट्रीटमेंट क्या है. प्रोटीन ट्रीटमेंट एक थेरेपी है जो कि अगर आप सलून जाएँ तो आपको केमिकल्स वगैरह से दी जाती है, मतलब केमिकली प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको यूज़ करके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके बाद आपको जो लुक दिया जाता है बालों को वो आपके बालों को नरिश करते हैं. प्रोटीन ट्रीटमेंट आपके डैमेज को रोकता है, आपके बालों को सिल्की बनाता है, आपके बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है. लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि प्रोटीन ट्रीटमेंट की भी टाइप्स होती हैं. प्रोटीन ट्रीटमेंट की टाइप्स होती हैं, मतलब प्रोटीन ट्रीटमेंट्स अलग अलग हेयर्स के लिए अलग अलग तरीक़ों का दिया जाता है. सो किस तरीके का दिया जाता है, जैसे कि प्रोटीन ट्रीटमेंट की दो टाइप्स हैं, लाइट प्रोटीन ट्रीटमेंट और सेकंड है प्रोटीन ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डैमेज. अब लोग पार्लर तो चली जाती हैं लड़कियां, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा प्रोटीन ट्रीटमेंट उनके बालों के लिए अच्छा है. और ना ही पार्लर वाले ये पूछते हैं कि आपके बालों के लिए क्या अच्छा है, आपको बालों के लिए आपकी कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी रहेंगी. आपके उनको ये नहीं पता होता कि आपकी स्कैल्प सेंसिटिव है या नहीं है, वो आपसे पूछते भी नहीं हैं. तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपके बालों की किस तरह डैमेज हो रही है आपके बाल. उसके अलावा आपके बालों की हेयर लॉस किस तरह हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत कम हो रही है. लाइट प्रोटीन ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए होता है जिनके बाल जस्ट थोड़े से डैमेज हो, उनको नरिशमेंट चाहिए हो, शाइनी सिल्की लुक देना हो, तो वो लाइट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं. लेकिन प्रोटीन फॉर सीवियर डैमेज जो यूज़ करते हैं लोग, उसमें हाई केमिकल्स वाले जो हैं प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ये उन लोग वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज है केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से. लोग बहुत ज़्यादा डाई करवा लेते हैं. जब आप बाल बहुत ज़्यादा डाई करने लगते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं. उसके अलावा आपके बालों को जो नरिशमेंट चाहिए होती है वो नहीं मिलती, आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, तो और हेयर लॉस तो बहुत ज़्यादा होने लगता है. तो उस चीज़ को जो है कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं पार्लर्स वाले, वो यूज़ करते हैं प्रोटीन सीवियर डैमेज. सही है. सो अब आते हैं वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, आपकी हेयर लेंथ के हिसाब से होता है. अब मेरी हेयर लेंथ इतनी है तो पता नहीं कितने हज़ारों का तो प्रोटीन ट्रीटमेंट हो जाएगा. और उसको मेंटेन रखने के लिए भी आपको कुछ शैम्पूज़ और कंडीशनर्स वगैरह लेने पड़ते हैं. आप अपने रेगुलर जो शैम्पूज़ आप यूज़ करते हैं आप वो यूज़ नहीं कर सकते. तो ये थोड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि यार अगर आप प्रोटीन ट्रीटमेंट ले रहे हो फिर आपको उसके ऊपर महीनों के लिए जो है उसकी सिटिंग्स वगैरह लेनी पड़ती हैं. तो जो मैं यूज़ करती हूँ घर पे प्रोटीन ट्रीटमेंट लेती हूँ नेचुरल रेमेडीज़ के उससे, तो उसका फ़ायदा ये है कि वो आपको हार्म नहीं करता. हार्म नहीं करता सही है, लेकिन अगर आप उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, तो वो आपके बालों को ज़रूर हार्म करेगा. जैसे कि अगर आप सलून से भी कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट लेंगे और उसको बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे लेने लग जाएंगे, आपके बाल बहुत अच्छे दिखेंगे, तो ऐसा नहीं है. वो कुछ टाइम के लिए दिखेंगे और कुछ टाइम बाद आपके बाल ख़राब होना शुरू हो जाएंगे. तो इसी तरीके से नेचुरल हेयर रेमेडीज़ होती हैं. प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको मंथ में दो दफ़ा लेना चाहिए, 15 डेज़ के गैप से लेना चाहिए. सो वो जो है आपके बालों को नरिश भी देगा, आपके बालों की हेयर ग्रोथ फास्टर करता है. जो बेसिकली जो आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ है वो मंथली जो है 0.5 सेंटीमीटर बढ़ते हैं बाल आपके, 0.5 इंचेस बढ़ते हैं. और वो
कंपेयर करें अगर सेंटीमीटर से, तो वो 1.5 सेंटीमीटर्स बढ़ जाएंगे पर मंथ, और उसके अलावा पर ईयर जो है आपके बाल 15 सेंटीमीटर्स बढ़ते हैं। तो अगर आपको उस ग्रोथ को जो है इन्हेंस करना है, आप अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, अपने बालों की केयर करनी चाहिए। और प्रोटीन ट्रीटमेंट आपके बालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ये यूज़ कर सकते हैं। और जो है मैं जो यूज़ करती हूँ उसमें एग मेन पार्ट है। एग तो बहुत ज़्यादा नरिश करता है आपके बालों को, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जो लोग कुछ लोगों को पता होता है कि केराटिन ट्रीटमेंट भी ली जाती है, तो केराटिन ट्रीटमेंट और प्रोटीन ट्रीटमेंट सेम होता है। फ़र्क ये है कि केराटिन ट्रीटमेंट प्रोटीन ट्रीटमेंट की एक टाइप है, क्योंकि केराटिन भी एक प्रोटीन है जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि अंडे में मौजूद होता है, जिसको हम बायोटिन भी कहते हैं। तो अब अगर आप बात करें होम रेमेडी की, तो होम रेमेडी जो है आपको किस तरह प्रॉपर वे में लेनी चाहिए प्रोटीन ट्रीटमेंट, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत अच्छा टाइम है अपने बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। क्वारंटीन चल रहा है हर जगह, आपको ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी अपने घर पे, और ज़्यादा मेहनत नहीं है। अपने बालों की केयर करें, लड़कियों को तो बहुत शौक होता है अपने बालों की केयर करने का, जिस तरह मुझे है। मुझे अपने बाल लंबे और स्ट्रॉन्ग पसंद हैं, घने बाल, सो आप भी ट्राई करें और देखते हैं कि मैं अपनी रेसिपी में क्या क्या यूज़ करती हूँ। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मैं अपनी रेमेडी में जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो है एग, बनाना, ऑयल, क्योंकि कुछ लोगों को अंडे की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो ऑयल जो आप यूज़ करें उसमें फ्रेग्रेंस होनी चाहिए थोड़ी, कॉफ़ी का एक साशा काफ़ी है, तो और हनी भी आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसको बनाना किस तरह है, इन चीज़ों को लेके ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके अपने बालों पे अप्लाई करना है। ब्लेंड करने के बाद जब आप अपने बालों पे अप्लाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपने अपने बालों को प्लास्टिक रैप से कवर कर लेना है। प्लास्टिक रैप से कवर करने के बाद आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे अपने हेयर ड्रायर से। हेयर ड्रायर से इतनी हीट प्रोवाइड करनी है, थोड़ा दूर रख के अपने हेयर से, ताकि वो बहुत ज़्यादा वार्म ना हो जाए, बहुत ज़्यादा उनको हीट ना लग जाए। तो हीट प्रोवाइड करनी है, लेकिन इतनी प्रोवाइड नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा आप बर्दाश्त ना कर सकें। उतनी हीट प्रोवाइड करनी है जितनी आप बर्दाश्त कर सकें, 1 से 2 मिनट तक जस्ट। उसके बाद इसको छोड़ दें 3 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे छोड़ दें। उसके बाद अपने बालों को किसी अच्छे शैम्पू से और ठंडे पानी से वॉश करना है। उसके अलावा इसको कंडीशनर करना मत भूलिएगा, कंडीशनर करना ज़रूरी है। मिट्टी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।